मजदूर संघ से संबंधित आईपीएच कर्मचारी महासंघ नालागढ़ इकाई का साधारण अधिवेशन हनुमान मंदिर परिसर नालागढ़ में हुआ। इसमें सोलन जिला भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, आईपीएच कर्मचारी महासंघ के सोलन जिला अध्यक्ष सुरजीत राणा व अन्य लोग उपस्थित रहे। मजदूर संघ से संबंधित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ नालागढ़ इकाई का साधारण अधिवेशन यहाँ हनुमान मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के सोलन जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा जी उपस्थित रहे। और आज ही नालागढ़ इकाई का 2 वर्षों के लिए जो है चुनाव करवाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जो से नालागढ़ ब्रांच के प्रधान कैलाश राणा जी बने और महासचिव गुरदास राम जी और अन्य कार्यकारिणी के विस्तार हेतु नव निर्वाचित प्रधान कैलाश राणा जी को अधिकृत किया गया कि 10 दिन के अंदर जो है बाकी कार्यकारिणी का विस्तार वो कैलाश राणा जी करें। और इसके साथ ही इस अधिवेशन में कुछ एक मांगे हिमाचल सरकार के समक्ष उठाई गई, जिसमें पंचायतों के माध्यम से आईपीएच विभाग में लगे वाटर गार्ड जिन्होंने 8 वर्ष पूर्ण कर लिया है उन्हें रेगुलर करने की मांग उठाई गई। आईपीएच सर्कल सोलन में जो तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पद खाली हैं उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पात्र हैं उनकी प्रमोशन शीघ्र की जाए, ये मांग उठाई गई। और कर्मचारियों के लंबित पड़े चिकित्सा भत्ते यात्रा भत्तों के भुगतान हेतु ये मांग उठाई गई। सेवानिवृत्ति की आयु कर्मचारियों की जो है 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए, ऐसी मांगें हिमाचल सरकार के समक्ष उठाई गई। और इस अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का आभार प्रकट किया गया कि उन्होंने कर्मचारियों को बिन मांगे जो है बहुत सी सौगातें हैं कर्मचारियों को दी है, चाहे वो आईआर के रूप में हो, चाहे वो महंगाई भत्ते के रूप में हो, चाहे नई रिक्रूटमेंट करने की बात हो, चाहे प्रमोशन करने की बात हो। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।